हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितना भी जीके जीएस है यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो कि यूपी पीसीएस के अपर प्रीलिम्स में जो अभी मेंस होने वाला है 20 को और जो 2017 में होगा, और लोअर प्रीलिम्स में प्लस आरओ में एआरओ में लेखपाल एग्जाम, मतलब यूपी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपी पीसीएस जो कंडक्ट कराता है लोक सेवा आयोग, उससे रिलेटेड ये पैकेज है। ये पीडीएफ है। पहली बात तो अगर आपको ये सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इसमें पूरा डायग्राम्स हैं, यूपी से रिलेटेड सब फैक्ट्स हैं, जीके के फैक्ट्स हैं, जीएस के फैक्ट्स हैं, तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है। और या तो आप यूपी पीसीएस का पूरा पैकेज ले लीजिए, वो 2017 प्रीलिम्स के लिए है, और उसमें आप वो पैकेज ले लोगे, काफ़ी सस्ता सा है वो, और वो आपको 2017 का जब तक प्रीलिम नहीं होगा तब तक उसमें अपडेट मिलती रहेंगी, यूपी का जीके पूरी फुल जीके प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्लस एनसीईआरटी की समरी, मतलब जितना भी जीएस आता है यूपी में प्लस यूपी की यूपी स्पेशल जीके, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, यूपी का बजट और जितनी भी ओवरऑल न्यूज है करंट अफेयर्स है। तो पार्ट वन में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक कि दो टाइप की जुडिशियल सर्विसेज होती हैं सबऑर्डिनेट में। हायर जुडिशियल सर्विस में सिविल और सेशन जजेस होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट और जुडिशियल सर्विस होती है उसको कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इटावा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कानपुर देहात ऑफ यूपी दे सर्व एज द सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसीलिए इस पीडीएफ में आप में स्पेशल क्या है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट कर रखा हुआ है, तो एग्जाम में अगर आपको रिविजन भी करना हो तो आपको ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, जो हाईलाइटेड चीज है वो पढ़ो और जो डायग्राम है वो देख लो। संजय मिश्रा को भी अपॉइंट किया गया नया लोकायुक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट इज द फोर्थ ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन द इंडिया, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। इकोनॉमिक टर्म्स में यूपी ने काफी बेकार परफॉर्म किया है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, जबकि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। एग्रीकल्चर यूपी में लीडिंग ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर जो है वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देता है यूपी में, और टोटल जो यूपी से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो पूरे इंडिया में 19% का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूपी से है, मतलब ओवरऑल अगर आप फूड जो ग्रेन प्रोड्यूसर की बात करें तो यूपी नंबर वन है उसमें, यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का ओवरऑल देखेंगे आप अगर, तो फूड ग्रेन मतलब वीट हो गया और राइस हो गया और ये सब हो गया। पीट स्टेट की प्रिंसिपल फूड क्रॉप है, सुगर केन है मेन कॉमर्शियल क्रॉप। सत्तर % जो इंडिया की सुगर है वो यूपी से आती है। सुगर केन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है यूपी की, और जो ये यूपी है ये कंट्री का मतलब इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर है। इंडिया वैसे देखेंगे तो सुगर केन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद, और जो लार्जेस्ट सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो है यूपी, मतलब यूपी में इंडिया में सबसे ज्यादा सुगर केन प्रोड्यूस होता है, 38.6% है टोटल जो सुगर केन का प्रोडक्शन होता है, गन्ने का प्रोडक्शन होता है उसमें से 39% के करीब यूपी में ही होता है। सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है सुगर केन प्रोडक्शन पूरे इंडिया में। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं यूपी में कानपुर रीजन में, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री पूरी कानपुर नौ रीजन में, नोएडा वोडा में काफी आईटी और बीपीओ के हब है, मुगलसराय में लोकोमोटिव प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, और भी कई सारे हैं लिखे हुए हैं आप देख लो इसमें। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिचुएटेड है यूपी में, 12% के करीब है और 2.3 मिलियन यूनिट्स हैं उनकी टोटल, सीमेंट की काफी ज्यादा है। यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि यूपीएफसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, इसको आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ईयर पूछ लेते हैं क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस और एसएससी और जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी को छोड़ के ज्यादातर उसमें फैक्ट्स आते हैं। आजकल तो खैर अभी जो पिछली बार वाला पेपर आया था उसमें यूपीएससी में भी ज्यादातर सब फैक्ट्स ही बेस्ड आए थे, 2016 वाला पेपर जो था वो यूपीएससी के लेवल का नहीं था, काफी सारे ऐसे लोगों ने क्लियर किया जो एसएससी और इन सब की तैयारी करते हैं जो फैक्ट पे फोकस करते हैं। यूपीएफसी क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है
यूपी में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और भी कई तरह से वर्किंग कैपिटल देता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है जब से अखिलेश यादव आया है, और टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। देखिए ओवरऑल अगर यूपी की आप स्टेट की जीडीपी देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टर्शरी का 44.8% का, और सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर 44% टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यूपी वैसे भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, और थर्ड नंबर का है सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ 11.2% इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो यूपी का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, पहला है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है और सेकंड नंबर पे एमएसएमई है। 11th 5-year प्लान में ग्रोथ रेट यूपी की काफी कम रही, 7.28 रही है, काफी स्टेट से कम है। सोनभद्र है जो यूपी का साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यूपी के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। वैसे भी यूपी में 21 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वो ऑब्वियस सी बात है। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है, 1.34 किलोमीटर का है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कंट्री में है और 6th हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी है। यूपी में टोटल 8,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। देखिए यूपी में दो जो रेलवे के जोन है उनके हेडक्वार्टर्स हैं, सबसे पहले तो इलाहाबाद में है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, और गोरखपुर में है हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। तो रेलवे के जो 17 जोन है उनमें से दो जोन का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में है, एक है इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, दूसरा है गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। और भी कई सारे डिविजनल हेडक्वार्टर भी हैं रेलवे के यूपी में। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी जो ट्रेन है सेकेंड फास्टेस्ट शताब्दी ट्रेन है दिल्ली से लखनऊ की, पहली ट्रेन थी जिसको कि जर्मन के कोचेस मिले थे। और भी कई सारे जो पॉपुलर रेलवे स्टेशन है यूपी में, लखनऊ है, कानपुर सेंट्रल है, वाराणसी जंक्शन है, आगरा कैंट है, गोरखपुर है, मथुरा जंक्शन है, टॉप 5 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में आते हैं वो। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यूपी में, और यूपी जो इसके 9 नेबरिंग स्टेट है, मैंने बताया था यूपी अपनी बाउंड्री शेयर करता है 8 स्टेट से, और प्लस दिल्ली से, और प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से, सब हर जगह से वेल कनेक्टेड है। 42 नेशनल हाईवे पास होते हैं यूपी से, लेंथ इनकी करीबन इतनी 5,000 के आसपास किलोमीटर के आसपास। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1972 में, तो ये याद रखेगा। यूपीएसआरटीसी की बस वस चलती है काफी, हालांकि इनकी सर्विस काफी घटिया है लेकिन फिर भी मतलब काफी चलती है और ये प्रॉफिट में भी रहते हैं। ये एक्सप्रेसवे जो मोस्ट एडवांस जो रोड होता है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, और इसने काफी ज्यादा ये ट्रैफिक को रिड्यूस कर दिया है। और ये जो एक्सप्रेस है आगरा से लखनऊ, इट इज कंट्रीज लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। कई टाइप की रोड होती है, सबसे टॉप पे एक्सप्रेसवे, फिर है नेशनल हाईवे, फिर है स्टेट हाईवे, फिर है डिस्ट्रिक्ट वाली रोड, फिर है वो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना, गाँव गाँव एक दूसरे को कनेक्ट करने की, वो एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें गवर्नमेंट स्कीम है पूरी, उसमें आप देख लेना, उसमें दिया हुआ है। यूपी में हाईएस्ट रोड डेंसिटी है और लार्जेस्ट सरफेस अर्बन रोड नेटवर्क है। कई सारे इसमें एयरपोर्ट हैं, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं उसको, और ये वाराणसी में जो है इसको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। और भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर में। लखनऊ जो है उस सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है नॉर्थ इंडिया में, ये आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद सेकंड नंबर पे है। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज्ड है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कुशीनगर में भी एक है। मेट्रो, देखिए मेट्रो इस समय 5 जगह पे योजना चल रही है टोटल, वो मैं बता रहा हूँ उसकी ट्रिक, देखो मैंने बनाई है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो रेलवे में 5 जगह पे हैं, इसमें आप याद रखिएगा LV कैम,
ये आप याद रखिए, एलबी कैम मतलब लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में, ठीक है, पांच जगह पे है इस समय मेट्रो चल रही है। देखिए आपको अगर वैसे आप यूपीपीसी से या यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईमेल अपडेट कोर्स ले सकते हैं, उसमें हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, जितने भी पीडीएफ हैं, ये वाली पीडीएफ भी, जिसने एक बार ईमेल अपडेट कोर्स ले लिया उसको 1 साल तक जितने भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उन सब की पीडीएफ हम भेज देंगे, और उसके अलावा भी जितनी भी करंट अफेयर्स होती है मंथली, वो पूरी उसकी समरी, द हिंदू की समरी, योजना की समरी, और प्लस टेस्ट सीरीज, और प्लस बहुत सारी जीके की और जीएस की और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बुक्स, और प्लस समरीज, और प्लस ये जो हमारी स्पेशल डिजाइन होती हैं, ये सब मिलेगी उसको 1 साल तक ईमेल अपडेट की। लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा ये पहले कबड्डी बड्डी खिलाया जाता था यहाँ पे, और लेकिन अभी जो यूपी का स्टेट जो स्पोर्ट है वो है फील्ड हॉकी, ध्यानचंद यूपी से ही थे और इस समय ये इसमें काफी फेमस है। हॉकी में नितिन कुमार और ललित कुमार उपाध्याय, क्रिकेट में भी यूपी में काफी इस समय पॉपुलर है, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था यूपी ने पहला 2006 में, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वो है कानपुर में है, फैजाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ रहा है यूपी में, इसमें इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम होगा, नोएडा में ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सर्किट की F1 रेस भी हुई थी, और ये स्टेडियम भी बना रहे हैं इधर, कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं यहाँ पे, संस्कृत बेस्ड लर्निंग होती है, फिर उसके बाद पाली और ये पर्सियन और ये सब भी ऐड कर दिए गए थे। टोटल जो प्रेजेंट इस स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का एजुकेशन है ये सब क्रिश्चियन धर्म की देन है, जो मिशनरीज आए थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिश का कॉलोनियल सिस्टम था उसने ये सब इस्टेब्लिश किया था। 10+2+3 ये ओवरऑल इंडिया में हर जगह ऐसा ही सिस्टम है। देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये यूपी में, और भी कई सारे स्टीम्ड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि 2 IIT, IIT कानपुर और IIT BHU, खैर BHU तो BHU ये, उसमें जबरदस्ती के लिए IIT जोड़ दिया गया है, उसकी क्वालिटी और उसमें कोई ऐसा नहीं है, IIT के बराबर नहीं, खैर वो आता है NITs के बराबर, फिर IIM लखनऊ में, और कई सारे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ITIs भी हैं, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, MNIT, HBTI है, IIM लखनऊ है, ITBHU है, पहले ITBHU था अब IITBHU हो गया है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस के लिए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एक है वो, उसमें जितनी भी ये एजुकेशन होती है टेक्निकल अप्लाइड साइंस और सबके लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज इसको भी बनाया है। देखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, ये केवल ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जो कि डिसेबल्ड, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, दैट इज एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द डिसेबल्ड इन द वर्ल्ड। कई सारे इंडियन स्कॉलर्स भी रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, टूरिज्म में यूपी सेकंड नंबर में है, डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है, इलाहाबाद में काफी सारे लोग आते हैं, और यहाँ पे कुंभ मेला, माघ मेला ये सब होता है, हर 12 साल पे होता है। देखिए 4 जगह होता है कुंभ मेला, उसको याद करने की ट्रिक है, एक वर्ड NHUP आप याद कर लो, N से हो गया नासिक, हरिद्वार, उज्जैन जहाँ पे अभी सिंहस्थ कुंभ हुआ था, और प्रयाग। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था उनकी इनलाइटेनमेंट के बाद सारनाथ में, जो कि यूपी में, और मर गए थे कुशीनगर में, जो वो भी यूपी में है। सारनाथ पे अशोका के पिलर्स भी हैं। गाजीपुर काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे टॉम्ब है लॉर्ड कॉर्नवेलिस की, जिसने की परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम दिया था। बर्ड सेंचुरी है ईटा में, जिसको कि पटना बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। लखनऊ में भी काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, और फतेहपुर सीकरी है। वाराणसी एंशियंट सिटी है, घाट्स काफी सारे हैं यहाँ पे फेमस रहते हैं, 80 घाट, और पीएम में का एक्चुअली पीएम यहाँ से जीते भी हैं,
और इसलिए जाते वाते भी रहते हैं। जयपुर में एक विलेज है इसका, उसको पीएम ने गोद ले रखा है। वो जो योजना चल रही है आदर्श सांसद योजना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यूपी में स्टेब्लिश किया गया था 1972 में। कि मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मेन मेन चीज पढ़ रहा हूँ। आपको पूरा पढ़ना है तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। यूपी को हिंदी हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हिंदी सबसे पहली लैंग्वेज थी ऑफिशियल 1951 एक्ट के तहत, उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1951। और फिर उसमें 1989 में अमेंडमेंट करके उर्दू भी जोड़ दी गई। वो मैंने बताया था, देखिए लैंग्वेज कहाँ कौन सी बोली जाती है। वेस्ट यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है, ईस्ट यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, वेस्ट से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप ब्रज भाषा बोली जाती है, फिर सबसे नीचे आएंगे बुंदेलखंडी बोली जाती है, अवध में अवधी बोली जाती है, ये सब है इसमें। और ये कुछ म्यूजिशियंस के नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से हैं, इसमें से कौन सा यूपी से है। बेगम अख्तर यूपी से थी। और फोक हेरिटेज में रसिया है, जैसे इसमें काफी पॉपुलर है ब्रज में, और ये लव और ये राधा और कृष्णा के लव के ऊपर बेस्ड है। और कई सारे फॉर्म है। भाटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ पे, लखनऊ में। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं हमेशा कि ये इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे और उसमें से पूछेंगे किस जगह पे, यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में है। कथक जो एक क्लासिकल डांस है, इंडिया के 8 जो रिकॉग्नाइज है उसमें से एक, वो उसका ओरिजिन होता है यूपी से। उसमें कई सारे घराना है, 6 घराना है, उसमें से 6 में से 4 यूपी से, जैसे लखनऊ घराना, अजरारा घराना, फरुखाबाद घराना और बनारस घराना। फिर एक दो और भी है, ग्वालियर घराना, वो एमपी से है। सरस्वती फेस्टिवल होता है यूपी में, फिर दिवाली होता है, कुंभ मेला होता है। एनएच यूपी याद रखिएगा, 4 जगह, एन यानी कि नासिक, एच से हरिद्वार, यू से उज्जैन, और ए पी से प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। लठ मार होती है मथुरा में, ताज महोत्सव ये ब्रज एरिया में, आगरा में। बुद्ध पूर्णिमा जहाँ जिस दिन गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था वो मनाते हैं। और भी कई सारे इसमें है, कुछ दिन है ये, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसमें देख लेना। अवधी क्विजिन काफी ये फेमस है, ये नॉनवेज खाने के लिए मुगल कुकिंग टेक्निक होती है, उसमें स्लो कुकिंग करते हैं वो। दिल्ली में और लखनऊ में इसीलिए बोलते हैं इंडिया में कि चिकन काफी फेमस है, एक लखनऊ का और एक दिल्ली का, जो लोग खाते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये टोटल, ये फिर ये 500 एमसीक्यूज हैं यूपी के, ये आप इसमें देख लेना। इसमें आपको ऐसे दिए हुए हैं कि पहले आप इसमें लगा लो, फिर लास्ट में पूरे आंसर दिए हुए हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप इसमें खुद, जिसको इसमें चाहिए ये डाउनलोड करके इसको खुद कर ले। टोटल 500 है, इसमें सबके आंसर दिए हुए हैं, फिर उसमें 100 क्वेश्चन इसमें हिंदी के भी हैं शायद। ये पूरी पीडीएफ है, यूपी से रिलेटेड पूरी जनरल नॉलेज की है। यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप पीडीएफ ले लो, वरना पूरा कोर्स ले लो यूपी पीसीएस का। उसमें आपको ये पीडीएफ और प्लस यूपी पीसीएस में जितना भी जीएस आती है, एनसीईआरटी की समरी, करंट अफेयर्स की समरी, मंथली डेली ईमेल अपडेट आपको मिलेंगी उसमें, अगर आप ईमेल अपडेट वाला कोर्स ले लोगे तो। ये इसमें आप कई सारी लिंक दी हुई है, आप उसमें देख लेना हमारे स्टोर पे जाके। सबसे अच्छा है कि आप ईमेल अपडेट कोर्स ले लो, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा इंक्लूड, और 1 साल तक मेल भी मिलती रहेगी करंट अफेयर्स में, और जितनी भी पीडीएफ हम बनाएंगे वो भी मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।